दोस्तों, जैसा कि पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस राइस मिल के बारे में आपको हम ये रनिंग के दौरान आपको हम बताएंगे इस राइस मिल के खासियत की, ये कितनी इसकी कैपेसिटी है ये घंटे में कुटाई करने की, तो उसी के बारे में आज हम आपको चर्चा करके इसमें बताएंगे कि ये मशीन अभी जो आप चला रहे हैं, जो देख रहे हैं गाइस, जो अभी कुटाई कर रहे हैं धान का, वो इसकी क्षमता क्या, उसके बारे में बताएंगे गाइस। जो देख सकते हैं गाइस, ये हमारा ट्रैक्टर के द्वारा यह कनेक्टर और चावल बहुत अच्छा तरह से अभी बन रहा है। और इसकी लोड की बात करें गाइस, तो अभी जो ये कुटाई कर रहे हैं, ये फिलहाल जो वो एक घंटा में ये 8 से 10 क्विंटल ये प्रति घंटा की रफ्तार से ये राइस मिल धान कुटाई करके देता है, जो देख सकते हैं। तो जो भी इसकी क्षमता है गाइस, वो क्षमता के अनुसार कुटाई करके नहीं दे रहा है, क्योंकि ये हमारा ये ट्रैक्टर के द्वारा चलने वाला जो कि दो नंबर का हमारा राइस मिल है, इसकी क्षमता आपको 15 से 20 क्विंटल प्रति घंटा की ये है, फिर भी ये उतना हमको नहीं दे रहा है जिस रफ्तार। देख सकते हैं गाइस, ये स्वराज कंपनी का ये ट्रैक्टर के द्वारा ये PTO से कनेक्ट किया गया, जो कि ये देख सकते हैं राइस मिल बहुत ही अच्छा तरह से। इधर साइड की बात करें, यानी कि बैक साइड की बात करें, तो गुंडा की फिनिशिंग आप देख सकते हैं गाइस, ये गुंडा जो दो तरफ से निकलता है, एक मोटा और ये में ही तरफ से। और तीसरी की बात करें तो ये फैन के द्वारा जो कि हमारा एग्जस्टिंग फैन लगा हुआ है, जो कि चावल में थोड़ा सा भी गुंडा निकल रहा है वो पूरी तरह से साफ करके दे रहा है। आपको हम जूम करके दिखा देते हैं गाइस कि दो तरफ से गुंडा निकल रहा है, जो कि बहुत ही एक मोटा रहा निकल रहा है और दूसरा जो पतला निकल रहा है। तो देख सकते हैं गाइस कि कितना अच्छा तरह से अभी ये चावल कुटाई हो रहा है, जहाँ से आपको हम ये PTO की आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पे हमारा जो लगा हुआ है पुल ये 12 इंच का, और जहाँ पे हमारा राइस मिल कनेक्ट है वो 8 इंच का हमारा पुली लगा, जो कन्वेयर बेल्ट के द्वारा अभी हमारा वर्क कर रहे हैं गाइस। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपके मन में कोई सवाल हो